आजि उत्कलमणि गोपबंधु दास को छयालबे तम श्राद्ध दिवस पालन करा जायछि। कटक बक्सी बजार स्थित समाज ऑफिस वर्ष वर्ष धरी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास को त्याग और सेवार दिग्दर्शन देई आसीछि। गोपबंधु एभली व्यक्तित्व थिले जी निज जीवन को विपन्न करी दुखी रखी को सेवा करबा सह समाज पई अनेक उदाहरण सृष्टि करिछन्ति। तांकर त्यागपूत जीवन को समस्ते अनुसरण करि परिले विश्व दरबार रे परिचय मिली पारिबो बोली आयोजित श्राद्धोत्सव रे उपस्थित विशिष्ट व्यक्ति माने मत प्रकाश करिछन्ति। वास्तव में देखा जाए तो गोपबंधु दास जी उड़ीसा के प्रीमियर रहे हैं और उड़ीसा के गांधी जी उनको बोलते हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया वो सब समाज को और देश को समर्पित कर दिया और उन्हीं की ये भावना है कि आज एक समाज जैसा अनुष्ठान, इतना बड़ा अनुष्ठान जो है पूरे उड़ीसा में काम कर रहा है, लोगों की भलाई का काम कर रहा है। तो महापुरुषों की ही ये पहचान होती है कि वो अपने जीवन के बाद भी कुछ ऐसे काम करके छोड़ जाते हैं जो सदियों तक याद किए जाते हैं। प्रथमे कटक गड़गड़ेश्वर घाटे तिलतर्पण कार्यक्रम करा जायतला, परे बारवाटी स्टेडियम, गोपबंधु बाग और गोपबंधु भवन रे थिबा उत्कलमणि प्रतिमूर्ति रे उपस्थित व्यक्ति माने माल्यार्पण करबा सह श्रद्धांजलि जणाइथिले। लोकसेवक मंडल राष्ट्रीय सभापति राजकुमार चोपड़ा अध्यक्षता रे अनुष्ठित सर्वधर्म प्रार्थना सभा को समाज संपादक डॉ प्रभास चंद्र आचार्य परिचालना करथिले। आयोजित विभिन्न कार्यक्रम रे श्री चोपड़ा सहधर्मिणी कांता चोपड़ा, कटक महानगर निगम मेयर सुभाष सिंह, बारवाटी कटक विधायिका सोफिया फिरदोस, पूर्वतन विधायक डॉ प्रभात रंजन विश्वाल, कटक महानगर शांति कमिटी सभापति देवेंद्र साहू और संपादक भिकारी दास, रामनाथ झा, नीलचक्र सभानेत्री नमिता पंडा, डाक्टर शिशुशंकर मिश्र, डॉ दीपायन पटनायक, सुदीप्त स्वाई, रंजित कुमार पटनायक, समाजसेवी सुलेमान बक्स, भुवनानंद महांति, सर्वोदय मंडल संपादक रमाकांत मंडल, इंदुमती साहू, हरेकृष्ण राय, प्रोफेसर डाक्टर कृपासिंधु पंडा और अजय महांति प्रमुखों सह समाज महाप्रबंधक शिवराम मिश्र और प्रशासनिक अधिकारी सैयद इम्तियाज अहमद, समाज पूर्वतन संपादक कानन बिहारी दास, डॉक्टर सत्य राय एवं डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र समेत पूर्वतन वार्ता संपादक तपन कुमार मिश्र प्रमुख जोग देते। आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना सभा रे उमेश मिश्र गीतापाठ करथिबा बेले इंदु कुमारी बाइबल और इम्तियाज अहमद कुरान पाठ करथिले। मेरा ये मानना रहा है कि गोपबंधु जी भी लोक सेवक मंडल के एक जिसको बोलते हैं महापुरुषों में से एक पुरुष थे और उनके साथ में कई लोग थे जैसे राजर्षि कृष्ण कुमार टंडन, लाला लाजपत राय जी, उन सब में गोपबंधु दास जी का जीवन भी एक प्रेरणादायक है। उन्होंने अपने जीवन काल में उड़ीसा में जो सेवा की है वो हर तरह के क्षेत्र में उन्होंने सेवा की, साहित्य के क्षेत्र में भी सेवा की, उड़िया भाषा के उत्थान के लिए भी उन्होंने काम किया और इसके साथ साथ उन्होंने समाज सेवा और कल्याण कार्यों के लिए भी वो उन्होंने काम किए और सबसे बड़ा योगदान उनका उड़ीसा के लिए यही है। अन्य योगदान के अलावा कि जो उन्होंने समाज की स्थापना की और समाज की स्थापना के पीछे इसका उद्देश्य था कि इसके द्वारा उड़ीसा राज्य के लोगों की सेवा की जाए। सेवा से मतलब ये था कि मानसिक रूप से भी उनको जानकारी दी जाए कि उड़ीसा के लोगों के क्या हित हैं और दूसरा समाज की जो आय होगी वो भी उड़ीसा के लोगों के हितों के लिए प्रयोग की जाएगी। तो ये दूरदर्शिता थी उनकी कि उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह की सोच को प्रश्रय दिया कि उनके कामों को हम हमेशा तक याद हमेशा याद करते रहे। उत्कलमणि गोपबंधु दास करो आज छयानबेतम श्राद्धवार्षिक आज समाज परिसर रे श्राद्धवार्षिक पालन करा जायतिला। आज समस्त नेतृत्व समस्त जनसाधारण आसी उत्कलमणि गोपबंधुंक प्रतिमूर्ति रे पुष्पमाल्य देवा परे गोटे साधारण सभार आयोजन करा जायतिला। वास्तविक उत्कलमणि गोपबंधु दास
ଥିଲେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା। ଆଜି ସମାଜ ବଞ୍ଚିଛି, ସମାଜ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ, ସାରା ଦେଶ, ଦେଶ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ। ଯାହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣତା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମାଜ ସେବା, ଯଦି ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ପରିବାର ଯଦି ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେଇ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବା, ତାହିଁ ହେବ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। କଟକରୁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଟିଭି।